दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने मानसु कुमार है। तो आज हम लोग फुल एचडी में उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्केन बनाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि आखिर ये हमारा रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन का मतलब होता है दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना आपका रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन कराने वाले एजेंट को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन में जिस रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग लेंगे, जिस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा दोस्त हाइड्रोजन, जिसका नाम है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 योग्य हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। इन दोनों का काम है दोस्त नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या, ताजा ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन को हम लोग दोस्त न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी कहते हैं। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्केन बनेगी। और यहां पर दोस्त यहां पर सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट का मतलब हो गया दोस्त घोलक। जैसे सॉल्यूशन आपको दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में पाया जाता है, जो कम मात्रा में पाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जो मोर अमाउंट में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के रूप में यहां पर दोस्त इथाइलीन ग्लाइकोल लेंगे हम। सॉल्वेंट के रूप में इथाइलीन ग्लाइकोल लेंगे और हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथाइलीन ग्लाइकोल में भुला देंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि आपका इथाइलीन ग्लाइकोल क्या है। देखिए दोस्त ये हो गया हमारा दोस्त CH2 जिसको बोलते हैं मिथाइलीन, ये भी हो गया CH2 इसको बोलते हैं मिथाइलीन। तो जब मिथाइलीन ग्रुप में लगा हुआ हो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग इथाइलीन ग्लाइकोल। दो कार्बन और दोनों कार्बन में लगा हुआ हो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तो बनने वाले कंपाउंड को इथाइलीन ग्लाइकोल कहते हैं। और दोस्त जनरल रिएक्शन लिखेंगे उल्फ किसनर रिडक्शन रिएक्शन का। तो सबसे पहले दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, जिसका फॉर्मूला हो गया हमारा CH3C OH। तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसीटाल्डिहाइड कहते हैं। तो यहां पर जो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा एसीटाल्डिहाइड, और एसीटाल्डिहाइड का यौगिक नेम होता है इथानॉल। तो सबसे पहले हम लोग एसीटाल्डिहाइड का कराएंगे रिडक्शन, और रिडक्शन कराने वाला जो हमारा एजेंट है उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर दोस्त रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ले रहे हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला हो गया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और साथ में लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इन दोनों को घुला देंगे सॉल्वेंट इथाइलीन ग्लाइकोल में। इन दोनों का काम है दोस्त नेसेंट हाइड्रोजन में। अब यहां पर देखिए दोस्त ये जो नेसेंट हाइड्रोजन लिखे हैं दोस्त, ये दो और दो चार हाइड्रोजन, ये चार हाइड्रोजन के बदले में यहां पर चार नेसेंट हाइड्रोजन लिखे हैं। यहां पर देखिए दोस्त इस नेसेंट हाइड्रोजन को यहां से हम लोग हटा रहे हैं। यहां पर दोस्त ये दो हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। यहां से ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल हमारा बनाएगा।
यहाँ पर तो हमारा NH2 था और यहाँ तुम्हारा कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बना लिया। यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को हटाए और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को हटाए और ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। अब ये देखिए दोस्त, ये बचा हुआ हमारा दो हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन के पास जाकर जुड़ जाएगा। यहां से दोस्त ये दो हाइड्रोजन हमारा इस कार्बोनिल कार्बन के पास जुड़ गया, ये कार्बोनिल कार्बन बन गया CH2 और CH2 पर एक और हाइड्रोजन बन जाएगा CH3। अब पहले से लगा हुआ है CH3 तो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर देखिए दोस्त, ये दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। यहां से ये दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बना लिया, यहां पर बना दिया नाइट्रोजन गैस। अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में था यहां पर कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए। रिएजेंट था हमारा हाइड्रोजन, यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेने पर और सॉल्वेंट के रूप में इथाइलीन ग्लाइकोल लेते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा अल्के और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर बनता है। तो देखिए दोस्त, दो कार्बन के ये रूट बॉन्ड हो गया हमारा ई, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए हैं। तो दो कार्बन के अल्केन को यूपेक नेम में इथेन बोलते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और सॉल्वेंट के रूप में इथाइलीन ग्लाइकोल को लेते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा इथेन बनता है। इसका जनरल एक हो जाएगा दोस्त, वे एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथाइलीन ग्लाइकोल देन अल्केन इज फॉर्म्ड। अब हम लोग दोस्त एल्डिहाइड का रिएक्शन खत्म हो गया, अब हम लोग कीटोन का रिएक्शन लेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त तीन कार्बन का कीटोन ले रहे हैं जिसका फॉर्मूला हो गया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन को यूपेक नेम में प्रॉपर नॉन बोलते हैं। तो एसीटोन का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सॉल्वेंट के रूप में इथाइलीन ग्लाइकोल लेंगे। यहां पर सॉल्वेंट के रूप में इथाइलीन ग्लाइकोल ले लिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना दिए। अब देखिए आप लोग, ये बचा हुआ दो हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा हमारा दो हाइड्रोजन या कार्बन बन जाएगा CH2 और इस कार्बन को ऑलरेडी दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख दिए CH3।
इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहां हो गया हमारा CH2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो यहां पर लिखिए सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यहां पर प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रॉप, यहां पर लिखिए प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए हैं, तो तीन कार्बन के अल्केन को यूपेक नेम में प्रोपेन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा, अब बचा हुआ ये दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़कर नाइट्रोजन गैस बना देगा। यहां से दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बना लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप था तो कार्बोनिल ग्रुप बना दिए, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन लिए थे, यहां पर हम लोग हाइड्रोजन बना देंगे, जिसका फॉर्मूला हो गया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन में खासियत है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और उसके बदले में मिथाइलिन ग्रुप को लाओ, तो जिस तरह मौसम बदल जाता उसी तरह उल्फ किस्नर रिएक्शन रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप बदल जाता हमारा मिथाइलिन ग्रुप में। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में इथाइलिन ग्लाइकोल को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और नाइट्रोजन गैस बनता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, वे कीटोन और एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल देन अल्केन इज फॉर्म्ड। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मांसू कुमार कहते हैं।